सभी अचयनित साथियों को नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। साथियों, कल का दिन बड़ा ही निर्णायक था। हमारे ओबीसी भाइयों ने माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री श्री सतीश द्विवेदी जी से बात की और उसका जो आउटपुट, जिस चीज़ की मैं बहुत पहले से बात कर रहा था, वही निकल कर के आया। सरकार ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि कोई भी आरक्षण के नियमों की अनदेखी नहीं की गई। साथियों, मेरा कहने का आशय ये नहीं है कि मैं अपने ओबीसी भाइयों या एससी भाइयों के साथ नहीं हूँ। जितनी जॉब की आवश्यकता मुझे है, उतनी उन्हें है, सभी को है। और वो हमारे भाई, चाहे रंजीत भाई हों, मयंक भाई हों, अमरेंद्र बाहुबली भाई हों या सभी भाई हों, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैं एक चीज़ आप सभी से ज़रूर पूछना चाहता हूँ, क्या कभी आपने जोड़ भाग गुणा घटाना किया है कि 22,000 सीटें जुड़ने में हमारे ओबीसी भाइयों को कितनी सीटें मिल रही हैं? अगर आप 22,000 जुड़वाते हैं तो मान के चलिए कम से कम 8 से 9 हज़ार सीटें ओबीसी भाइयों को मिलेंगी। 22,000 का 27% प्लस ओवरलैपिंग। दूसरी चीज़ साथियों, मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार का जो रवैया है, आप देख ही चुके हैं, और सरकार इस मामले पर टस से मस होने वाली है। मेरा एक अनुरोध उन सभी MRC और OBC के भाइयों से, SC के भाइयों से, अगर आपको लगता है अभी भी कि MRC के मुद्दे पर आप कुछ प्राप्त कर सकते हैं, तो मेरी शुभकामनाएं हैं, आप प्राप्त करें। हमारे से जो सहयोग होगा, हम आप लोगों के लिए करते रहेंगे, क्योंकि नौकरी पाना सभी का एक ड्रीम होता है और उसके लिए प्राप्त करते रहना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से सरकार का दृष्टिकोण है, मुझे उससे नहीं लगता है कि कुछ प्राप्त होने वाला है। तो साथियों, आज की तारीख में सारे मुद्दे जो हैं वो लगभग बंद होते दिख रहे हैं, सिवाय 22,000 के। तो सभी वर्गों के, सभी बंधुओं से, सभी बहनों से मेरा अनुरोध है कि सारे मुद्दे अगर आप रखना चाहें तो रखें। हालांकि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है, और ये आप बात स्पष्ट को कान खोल के सुन लें कि सरकार उस मुद्दे पर कुछ नहीं करेगी। मेरा उद्देश्य आपको सतर्क करना है, आपको जानकारी देना है, ना कि आपका विरोध करना। तो सभी MRC के भाई, OBC भाई, SC भाई, सभी भाई बहन, एक बैनर तले आ जाइएगा और एक मांग रखिएगा, केवल 22,000, जिस पर सरकार की तरफ से सकारात्मक विचार चल रहा है। मैंने कल भी शाम को भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी से आधा घंटे बात की है, और उन्होंने बताया है, हमारे साथ में उत्तम मिश्रा थे, रजी भाई भी थे, वो MRC के एक्टिव सदस्य हैं, आप जान सकते हैं, मैं उनको साथ में लेकर के गया था, तो उनकी आप उनसे भी सब पता लगा सकते हैं। आज की तारीख का एकमात्र एक मुद्दा बचा है, वो है 22,000, और इस पर शीघ्र ही निर्णय आएगा और पॉजिटिव निर्णय आएगा। तो हमारे वो भाई बहन जिनको लगता है कि हाँ, 22,000 सीटें एक बेहतर ऑप्शन है अन्य मुद्दों की अपेक्षा, तो वो सभी भाई SC RIT पहुँचें। वे भाई बहन जो, अगर मान लीजिए जो किन्हीं कारणों बस 1-2% नहीं पहुँच पा रहे हैं, वो भाई विवेक द्विवेदी जी अथवा करुणाशंकर पांडे जी के अकाउंट में जो धनराशि 200, 400, 500, 1,000, जितनी आपकी श्रद्धा हो, जिस लायक आपको ईश्वर ने बनाया हो, आप उनके अकाउंट में भेजिएगा, और आप लोग आशान्वित रहिएगा। कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। साथियों, हमारी लखीमपुर की पूरी टीम लगी हुई है, तन मन धन से लगी हुई है। मैं आपसे इतना कहूँगा, कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं होगा, एक पत्थर तो जरा तबीयत से उछालो यारों। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी
एक योग्य व्यक्ति हैं, योग्यता की पहचान रखते हैं और उनको पता है कि ये जो व्यक्ति धरना कर रहे हैं 15 दिन धरना देते हो गए हैं, कितनी निष्ठा, ईमानदारी, शालीनता, विनम्रता, अनुशासनपूर्ण ढंग से ये धरना कर रहे हैं। कोई हल्ला नहीं, कोई हुल्लड़ नहीं की गई है। तो सभी साथी ये जान लीजिए कि आपका मामला सभी अधिकारियों की पूरी जानकारी में है, मुख्यमंत्री जी की जानकारी में है, इस पर शीघ्र बेसिक शिक्षा मंत्री की जानकारी में है, शीघ्र इस पर निर्णय लिया जाएगा और 22,000 सीटें जुड़ना तय हैं। मैं अंत में सभी साथियों से कहूँगा, अपने अलग अलग मुद्दे हैं, कुछ लोग दूसरों को मोहरा बना करके अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। आप सभी होने वाले भावी शिक्षक हैं, आपका कहाँ से भला हो सकता है, आपके परिवार का कहाँ से भला हो सकता है, बीवी बच्चों का कहाँ से भला हो सकता है। उस उद्देश्य की ओर बढ़िए जहाँ से सबका भला हो सके और आपका सबसे पहले अपना निजी भला हो सके, उस मुद्दे पर आइए। लोग आपको गुमराह कर रहे हैं, आपका उपयोग कर रहे हैं अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए, चंदा चोरी करने के लिए। मैं यहाँ पर किसी वर्ग विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, सबका भला हो, सब ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार पाएँ और एक सभी को रोजगार मिले, सभी योग्य शिक्षक बने। तो मैं सभी कहूँगा कि भाइयों, कोई मुद्दा और नहीं बचा है कहने को, तो आपको कोई पढ़ा सकता है। आप जाइए कोर्ट लड़िए, सुप्रीम सिंगल बेंच लड़िए, डबल बेंच लड़िए, हाई कोर्ट लड़िए, सुप्रीम कोर्ट लड़िएगा, तब तक पता नहीं कितनी परीक्षाएं आएंगी जाएंगी, सरकार रहेगी नहीं रहेगी। कहने का आशय यह है कि जो कार्य विनम्रतापूर्वक हो सकता है उस कार्य पर पैसा मत खर्च करिएगा, ऊर्जा मत खर्च करिएगा, अपनी सारी ऊर्जा, अपना सारा टाइम 22,000 पर लगेगा। अकेडमी ये मत सोचिए गुणांक कितना जाएगा, अब केवल और केवल बीएड के बीच में फाइट है, बहुत कम मेरिट जाएगी। तो सभी साथी मेरे इस वीडियो को सभी 75 जिलों में भेज दें। हर सभी भाई बहनों से हमारा अनुरोध है कि SCERT पे चल रहे अनवरत धरने में आइए, सहयोग कीजिएगा। अगर किसी की वजह से नहीं आ रहे हैं तो करुणाशंकर पांडे जी के, विवेक द्विवेदी जी के अकाउंट में आप आर्थिक सहयोग करिएगा, क्योंकि ऐसी भीषण गर्मी में आप देख सकते हैं कि अब जब आप AC में बैठते हैं ऐसी चिड़चिड़ाती रूप में कि हमारे भाई बंधु किस तरीके से संघर्ष कर रहे हैं। ये उनका केवल निजी संघर्ष नहीं है, आपका है। आज की तारीख का एकमात्र मुद्दा रह गया है वो 22,000, बाकी सारे मुद्दे समाप्त हो गए हैं। अगर जिसको मेरी बात बुरी लगती है वो अपने घर पे रहे और संयमित भाषा में कमेंट करे। समझ में आया? मैं शस्त्र और शास्त्र दोनों का गाता हूँ। हमारा एक उद्देश्य है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, माने सबका कल्याण हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कल्याण हो। इसी भावना के साथ मैं ये वीडियो कह रहा हूँ कि सभी भाई 22,000 के लिए जुड़े, एक दूसरे का सहयोग करें। जो हमारे MRC के भाई बहन हैं, OBC भाई बहन हैं, SC ST के भाई हैं, वो सभी आकर के 22,000 सीट को सहयोग करें। अगर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आर्थिक रूप से सहयोग करें उन बंधुओं का जो लखनऊ में है। मेरा नहीं करना है, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या लखनऊ पहुँचे। माननीय मुख्यमंत्री जी बड़े दयालु हैं, भरोसा रखिएगा, चुनावी साल है, कोई भी राजनीतिक दल अपना नुकसान नहीं चाहता है। अगर भाजपा या मुख्यमंत्री जी ने ना अनुकी तो नुकसान हो भी सकता है, हालांकि उसका नंबर नहीं आएगा। 22,000 जुड़ना तय है, हर स्तर पर बात चल रही है, सकारात्मक बात चल रही है। आपका अपना साथी विकास मिश्रा, लखीमपुर टीम, 22,000। बहुत बहुत धन्यवाद।